समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर के पनागर के जलगांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें 8 साल की मासूम बच्ची का शव तालाब में उतराता हुआ मिला। 8 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों में भयंकर आक्रोश बढ़ गया और गुस्से में आकर लोगों ने पास में बनी शराब दुकान में आग लगा दी। बुधवार को 4 घंटे तक जबलपुर खमरिया रोड में शव रखकर चक्का जाम कर दिया गया। मासूम बच्ची की मां का आरोप है कि मंगलवार को बच्ची घर से निकली थी और आंगन से ही उसे कोई उठाकर ले गया। घर के पास नशे में धुत होकर कई लोग घूम रहे थे और उन्हीं शराबियों में से किसी एक ने मासूम बच्ची के साथ गलत कर उसे मार के तालाब में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि यहां से शराब दुकान को हटा दिया जाए। इस दौरान सभी महिलाओं ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। मैम लेकिन आप कार्रवाई लगाना है। भाई हम लोग का चार अपना पकड़ा जाए, ये सोच रहे का हम लोग तो बहुत बुरी बात जो तुम बोल रही तो हम बोल रहे हैं, पुलिस बोल रही। सर हमको ये तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से कलारी बिल्कुल उठना चाहिए। सबकी बच्ची ने पनिया पढ़ने जाती है और हम लोग भी अकेले घूमते हैं और जो जिसने उसके साथ कुछ भी किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मेरे को फांसी की सजा मिलना चाहिए उसको, या उसको जिंदा जलाओ। यहाँ पर जिंदा जलाना चाहिए ऐसे इंसान को। यहाँ जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये इस गांव की जो 8 वर्षीय बालिका थी उसके साथ में जो घटना हुई उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश था। इसी को लेकर वो लोग ये मांग रख रहे थे कि यहाँ जो शराब की दुकान है उसको हटाया जाए। इस पर विधिवत कार्रवाई करने के लिए यहाँ तहसीलदार साहब भी हैं हमारे साथ में, एक्साइज के लोग भी हैं, उन्हें निर्देशित किया है और ये कार्रवाई करवाएंगे हम। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।